नमस्कार गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मेरा नाम संतोष कुमार बिश्नोई है स्वागत कर रहा हूँ गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के इस जबरदस्त और सुपरहिट और एक एक नया शब्द और जोड़ देता हूं राजस्थान का सबसे बेहतरीन ऑथेंटिक जिस पर आपका स्वागत अभिनंदन आपका बड़ा भाई आपके सामने एक बार फिर से एक जबरदस्त सुपरहिट कंटेंट लेकर हाजिर है आज की क्लास में से तीन से चार क्वेश्चन आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे और भरोसा रखो तो में से आज की क्लास चार क्वेश्चन आपके सही कराएगी चार क्वेश्चन आपके सही होंगे आज की क्लास सोचो तो आप कि एक क्लास एक डेढ़ घंटे की क्लास और चार चार क्वेश्चन सही हो जाए और क्या चाहिए राजस्थान के बाहर के वो विद्यार्थी तो एक एक क्वेश्चन के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं गुरु जी चाहे पचास ही सही आ जाए बस हो जाए तो तमाम विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास रामबाण साबित होगी मेरा नाम संतोष कुमार बिश्नोई है स्वागत तो करता हूं बहुत ही जबरदस्त कंटेंट बहुत ही शानदार और टू द पॉइंट और ऑथेंटिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं स्वागत की कड़ी एक मिनट की सीधा लिए चलूंगा पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ लेकिन मात्र एक मिनट हम बात करेंगे इसकी भाई हमेशा की भांति स्वागत की कड़ी चलो भाई गुरुवार आप भगवान हैं ना ना ऐसा नहीं है आपका बड़ा भाई हूं टुरु से राम राम बहुत बहुत शुक्रिया सिटी से बहुत बहुत नमस्कार अनुराधा जी शुक्रिया फोन अभी उसी के पास होगा रोहित कुमार बिल्कुल भरतपुर से आपका भी जोरदार स्वागत तो पराक्रम बलिदान की धरती मेवाड़ से स्वागत करता हूं बिल्कुल आप तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत बिल्कुल गुरु को सादर प्रणाम और शिव लाहरी जी आपका भी अभिनंदन प्रियंका टोडावाटा मोना जाट जेपी मानारिया विजय अग्रवाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत सतपाल जी कह रहे हैं गुरुजी जिले तैतीस हो जाएंगे क्या वापिस यहाँ तक है अभी मैंने नया जी के नहीं पढ़ाया होगा आपने देखा मैंने केवल एक दिन कुछ कंटेंट जो कंजर्वेशन रिजर्व का था क्योंकि तो वो ऑथेंटिक साइट पर था वही मैंने उस समय तीन जिले नए थो थे उनके बारे में अपडेट पढ़ाया बाकी मैंने आज तक आपको नया जी नहीं पढ़ाया इसका मतलब इसके पीछे कुछ न कुछ राज है ये राज अभी एक बार राज रहने दो थोड़े दिन चर्चा जरूर आएगी सामने लेकिन अब क्योंकि तो आज का टॉपिक हमारा बहुत गजब का है मैं सीधा आपको टॉपिक की ओर लिए चलता हूं सबसे पहले बात करेंगे हम सूचना का अधिकार मुझे पता है कि पूरे भारत में आप यूट्यूब सर्च कर लो गूगल देख लो कहीं पर भी चले जाओ आपको सूचना का अधिकार मिल जाएगा लेकिन मेरा तरीका अपना है वो सबसे अलग है और जो चीज मैं पढ़ाऊंगा ईश्वर की कृपा मां सरस्वती का वरदान आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा हाँ ज्यादा से ज्यादा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेस बनाते हुए ऑथेंटिक चीजों को पढ़ेंगे ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे थे थोड़ी देर पहले हम नील पर हम राजस्थान संपर्क पोर्टल भी पढ़ेंगे जन सूचना अब वर्तमान में क्या स्थिति है वो भी देखने वाले हैं मैं शुरुआत कर दूं आप तमाम विद्यार्थी रेडी हो तो मैं शुरुआत कर रहा हूं आपके सामने पहला आपके सामने बिल्कुल देखो बोर्ड पर चलो भाई कार्रवाई कर देते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है मैं पहला देखो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन कब अधिनियमित किया गया, तो गया? इंग्लिश में आप चेकेंगे देखो इंफॉर्मेशन इनेक्टेड यानी एक प्रकार से अधिनियमित कब हुआ दोस्तों अधिनियमित का मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी हो जाना कुछ उसकी धाराएं लागू हो जाना लेकिन जब गजट का नोटिफिकेशन होता है तो उस दिन वो लागू होता है लेकिन इसने लागू का नहीं पूछ करके केवल अधिनियमित पूछा है जैसे मैं मान लो आज आपको एक बात बोलूं बड़ी गजब की भारत में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर तो हमारा दंड संहिता था, था उसके स्थान पर न्याय संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम सुरक्षा अधिनियम तीनों में बहुत बड़ा चेंज हो गया तीनों के तीनों अधिनियमित हो चुके हैं यानी लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए राष्ट्रपति ने कल यानी पच्चीस दिसंबर को हस्ताक्षर कर दिए तो तीनों के तीनों नए अधिनियम अधिनियमित हो गए हैं इनक, क्या इलेक्टेड हो गए हैं लेकिन लागू अभी नहीं हुए है लागू कब होंगे जब गजट में नोटिफिकेशन होगा वो भारत सरकार करवाएगी समझ में आ गई तो ये पूछा है इसने किया गया? आपके सामने? एक 2005, 2005, 15 जून 18 जुलाई इस क्वेश्चन का जवाब नंबर तीन बिल्कुल सही है दोस्तों तीन नंबर ऑप्शन होगा 15 जून 2005 को अधिनियमित हुआ आइए चर्चा करते हैं थोड़ा सा विस्तार से आपको यहां से कुछ और आनंद आएगा एकदम ऑथेंटिक आंकड़ा है भारत सरकार की साइट से एकदम ऑथेंटिक आंकड़े के साथ ही पढ़ेंगे हम ताकि क्यूसर गलत ना हो 12 मई 2005 को संसद द्वारा पारित हुआ 15 जून 2005 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति जिस दिन स्वीकृति होती है उस दिन अधिनियमित हो हो जाता है पंद्रह जून दो हजार पांच रट्ट लेना संसद में कब पारित हुआ बारह मई दो हजार पांच और इस अधिनियम की धारा चार एक पांच एक पांच दो पांच बारह पांच तेरह पंद्रह सोलह चौबीस सत्ताईस और अट्ठाईस अविलंब प्रभाव में आ गई शेष धाराएं एक सौ बीस दिन बाद कितने दिन बाद 120 दिन बाद 12 अक्टूबर 2005 से देश भर में प्रभावी हुई मैंने यहां पर तीन चार बातें बोली है नंबर एक बारह मई दो को संसद में पारित फिर मैंने बोला अधिनियमित हुआ राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए 15 जून 2005 को जिस दिन अधिनियमित हुआ उस दिन कुछ धाराएं लागू हो गई स्वतः ही कौन कौन सी चार एक और जिसमें चार एक में क्या है लोग सूचना अधिकारी की बाध्यता हैं। उसके बाद में पांच एक पांच दो फिर बारह तेरह चौदह सॉरी तेरह पंद्रह सोलह चौबीस सत्ताईस अट्ठाईस लागू हो गई और एक तकड़ी बात बारह अक्टूबर दो हजार पांच को पूरे देश में लागू हो गया उस समय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर यहां पंद्रह जून से बारह अक्टूबर के बीच में टोटल दिन कितने होते हैं एक सौ बीस दिन रट लेना 120 दिन हो सकता है आपको यही क्वेश्चन पूछ ले कि कितने दिन बाद लागू हुआ अधिनियम होने के कितने दिन बाद लागू हुआ 120 दिन बाद इतना प्यारा क्वेश्चन बन सकता तो इस प्रकार से यह आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो गया आइए चर्चा करते हैं यह रहा दूसरा क्वेश्चन सूचना का अधिकार अधिनियम परिवर्तित होने की दिनांक कितनी है लागू होने की तारीख 12 अक्टूबर 2005 को दोस्तों एक तकड़ी बात बता देता हूं जो आपको याद रखनी चाहिए इस आर अधिनियम के अंदर टोटल अध्याय कितने हैं वेरी इंपॉर्टेंट है अध्याय दोस्तों इसमें अध्याय कितने हैं और सेक्शन यानी धाराएं कितनी है दोस्तों इसमें धाराएं इकतीस ये दोनों बातें आपको रट लेनी है वेरी इंपोर्टेंट 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ अध्याय छक्शन थर्टी वन सूचना का अधिकार अधिनियम दो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आनंद आने वाला है एक और जबरदस्त बात आपके लिए ये देखो निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़े इतना गजब का क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आनंद आना चाहिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य राइट टू इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट क्या है उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व तो क्या लिखा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रशासन में लाना इसका उद्देश्य है बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही है अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया ये दोनों ऑप्शन सही है दोनों के दोनों ही ऑप्शन सही है एक और दो दोनों कथन सही है उत्तर नंबर 4 होगा आइए थोड़ी चर्चा करते हैं पहले मैं चर्चा करूंगा आपके अधिनियम के उद्देश्य का आर अधिनियम के उद्देश्य क्या क्या है यह चर्चा करूंगा मैं सबसे पहले गौर से देखना फिर चर्चा करूंगा अरुणा राय की आ जाओ भाई आ जाओ यह देखो कितनी गजब की बात लिखी है दूसरे का अधिकार अधिनियम 2005 2019 में संशोधन भी हो गया है याद रखना कि आरटीआई अधिनियम 2005 में संशोधन कब हुआ आपका उत्तर होगा 2019 में वेरी इंपॉर्टेंट क्या संशोधन हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से सबसे पहले 15 जून 2005 हजार पांच आरटीआई अधिनियम दो सबसे ऊपर लोक प्राधिकारी का मतलब यहां सरकार है सरकार के कार्यकरण में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के संवर्धन के लिए बढ़ाने के लिए आरटीआई अधिनियम लाया गया ये दोनों बातें ऊपर ऊपर लिखी हुई है ये एक प्रकार से उद्देश्य है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संदर्भ संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारी के नियंत्रण अधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया इतनी प्यारी बात और क्वेश्चन यही से सीधा पूछ लेता बंदा पेपर पूछ करने वाला यही से क्वेश्चन पुटअप करेगा चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां से एक तकड़ी चीज बहुत ही गजब की चीज जो जिसका आप इंतजार कर रहे थे अरुणा राय मैंने उद्देश्य अभी मैंने पूरे उद्देश्य बताए नहीं है मैं अभी पूरे उद्देश्य बताऊंगा लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को पूरा करना चाहता हूं मैं अरुणा राय की चर्चा कर रहा था आइए चर्चा करते हैं अरुणा राय की यह एकदम ऑथेंटिक किताब में से कंटेंट आपके सामने आम जनता को एकजुट करने के उद्देश्य से 1990 में तीन लोगों ने मिलकर के एक बहुत बड़े संगठन का निर्माण किया दोस्तों संगठन का नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन सीधा क्वेश्चन आ सकता है मजदूर किसान शक्ति संगठन किससे संबंधित है आपका उत्तर होगा RTI कानून से बन सकता है दोस्तों तीन बंदे नंबर एक अरुणा राय नंबर दो निखिल डे नंबर तीन शंकर सिंह ती, तीनों ने मिलकर के ये काम किया कितनी अच्छी बात है और एक तकड़ी चीज दोस्तों इन्हीं के इन्हीं के प्रयासों से देखो अप्रैल उन्नीस में, में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सूचना के अधिकार को लागू करने का वादा किया हम कानून बनाएंगे वादा किया था इस आ, इस आपके मुहिम की वजह से और उसके बाद में आगे चल करके राजस्थान के अंदर एक कैंपेन चला उन्नीस में, में राजस्थान में नेशनल कंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक अभियान चला कैंपेन चला उन्नीस में में चल करके राजस्थान में 2002 में 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 कानून कानून बना। लेकिन आपसे कोई कोई पूछे कि भारत में किस राज्य सबसे पहले कानून लागू हुआ? यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो हम हम क्या करेंगे? इसका उत्तर उत्तर आगे, चल करके में लेकिन थोड़ा आगे चल करके अभी मैं बताऊंगा। देखो भाई सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी आर राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर ऑब्जेक्ट में कौन सा नहीं है दोस्तों ऑब्जेक्टिव तो, कौन सा नहीं है चार ऑप्शन आपके सामने है सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना यह हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल सही है एकदम सही है हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वे वास्तव में लोगों के लिए काम करे बिल्कुल सही है एकदम सही है समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों के सशक्त करने के लिए काम करना यह गलत हो गया सूचना के अधिकार में तीसरा ऑप्शन का कोई उद्देश्य नहीं है यानी यह कोई मतलब का नहीं है आरटीआई में नागरिकों को सशक्त बनाना यह बाकी सारे सही है इस क्वेश्चन का जवाब नंबर तीन होगा मैं आपको आरटीआई के जो उद्देश्य है उनको विस्तार से बताने के लिए आपको आगे लिए चलता हूं भारत सरकार के सूचना आयोग की केंद्रीय सूचना आयोग की साइट पर आइए केंद्रीय सूचना आयोग की साइट को संघाल लेते हैं क्या कहना चाहता है यह रहा केंद्रीय सूचना आयोग राइट टू इंफॉर्मेशन दोस्तों आपका इसके बारे में देखो विस्तार से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समयबद्ध रूप से उत्तर देने का काम करता है अधिशेष देता है सॉरी अधिदेश हाँ यदि कोई आपसे पूछे कि यह जो सूचना देने से संबंधित कानून बनाया गया है यह कानून भारत सरकार के किस विभाग के नियंत्रणाधीन है यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे बड़ा गजब का क्वेश्चन है बाद में यह मत बोलना गुरु जी यह क्वेश्चन आ गया मेरा गलत हो गया आइए देखते हैं सबसे पहले यही बात ये दोस्तों आपके सामने देखो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार की पहले रट तो लेना बड़ा गजब का क्वेश्चन आपको बाजार में किसी ने नहीं बताया होगा बात आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी यह बात किसी कोचिंग वाले ने नहीं बताई क्योंकि तो मुझे पता है क्वेश्चन ये आएगा मैंने आरपीएससी में क्वेश्चन भेज दिया मस्त रहो ये देखो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार एक और जबरदस्त बात आपको दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में आप सू, सू, देखो देखो सरकार और उसके साथ साथ राज्य सरकारों के दिन विभिन्न लोक प्राधिकरणों की वेब पर प्रकाशित की गई सूचना के अधिकार से संबंधित सूचना प्रकटनों पर पहुंच के अतिरिक्त विभिन्न अधिकारियों में से प्रथम अपीलीय अधिकारियों आदि के बारे में जानकारी मिलती है यह देखो सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य जैसा क्यूशन वैसे का वैसा कंटेंट सीधा कंटेंट यहां से आया था तो अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में सीधा क्वेश्चन से टपका था चेक कर लो क्या है उद्देश्य सूचना का जिसका मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना चौथा ऑप्शन यही था पिछले क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन यही था नागरिकों को सशक्त बनाना सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेहितों को बढ़ाना पहला ऑप्शन यही था भ्रष्टाचार को रोकना यह ऑप्शन में था नहीं फ्यूचर में आ सकता है तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने के लिए बनाना बनाना करने वाला बनाना। ये दूसरा ऑप्शन था जबकि तीसरा महिला वर्गों वाला था जो उत्तर सही नहीं था चारों के चारों आपके सामने है सीधा क्वेश्चन यहीं से आया था केंद्रीय सूचना आयोग की साइट से क्वेश्चन टपका था क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर चारों उद्देश्य पहला नागरिकों को, को सशक्त बनाना दूसरा सरकार के कार्य में कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेहीता तीसरा भ्रष्टाचार को कम करना रोकना सॉरी रोकना कम नहीं रोकना और हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना चारों ऑप्शन आपके सामने कितना शानदार क्वेश्चन था यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाब बनाता है यदि नियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है इतना प्यारा क्वेश्चन है आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा था हाजी गुड गवर्नेंस इंक्लूड सुशासन में कौन कौन शामिल है चार ऑप्शन आपके सामने सुशासन में कौन शामिल है अब सुशासन में सीधी सी बात है जवाबदेहिता भी है पारदर्शिता भी है है ना कानून का शासन भी है और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा चलिए भाई सुशासन में सामाजिक आर्थिक शक्ति पारदर्शिता जवाबदेहिता आर्थिक शक्ति पारदर्शिता जवाबदेहता कानून का शासन दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर तीन बिल्कुल सही है तीसरा ऑप्शन होगा पारदर्शिता जवाबदेहिता और कानून का शासन आइए चर्चा करते हैं एक और पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर शासन और सुशासन दोस्तों इग्नू इंदिरा गांधी ओपन जो यूनिवर्सिटी है इग्नू उसकी साइट से एक किताब थी वहां से मैंने सुशासन की परिभाषा और उसके अंदर जो चीजें शामिल होती है वो लेकर आपके सामने हाजिर हूं क्योंकि ये क्वेश्चन उसी की ये जो क्वेश्चन बनाया गया था वो इसी किताब से बना था किताब आपके सामने अभिप्राय पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी जिम्मेदारी था भागीदारी खुलापन कानून का शासन लो पूरा काम आपका हो गया चारों के चारों सुशासन का अभिप्राय नंबर एक ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता जिम्मेवार भागीदारी और खुलापन और कानून का शासन हो गया क्वेश्चन आपका पूरा ये है कानून का शासन आगे चलता हूं एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए क्या गजब का क्वेश्चन है कितना शानदार और गजब का क्वेश्चन सूचना का अधिकार पूर्णतः सफल नहीं हो सकेगा बल्कि स, बल्कि असफल हो जाएगा यदि इसे ई गवर्नेंस के साथ संलग्न नहीं किया जाता दोस्तों यदि आरटीआई अधिनियम जो है आरटीआई टी तौर खासतौर से सूचना का हम कह सकते हैं अधिकार है और आपको यह भी याद रखना है कि सूचना का अधिकार वर्तमान में हमारे संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी में सॉरी uh, आपके आ, आर्टिकल 19 में आर्टिकल 19 में शामिल कर लिया गया है आर्टिकल 19 वन में जिसमें अभिव्यक्ति वाली बात है उसमें आपको याद रखना चाहिए सूचना का अधिकार है ना तो संवैधानिक स्थिति भी मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सूचना का अधिकार यदि ई गवर्नेंस के साथ जोड़ दिया जाए तो जो काम एक महीने में होगा वो एक सेकंड में हो जाए इसलिए तो हमने जन सूचना पोर्टल लेके आए हैं तो जन सूचना पोर्टल ई गवर्नेंस का हिस्सा है अर्थात घर बैठे बिना मांगे तमाम प्रकार की सूचनाएं आपको मिल रही है अर्थात यही बात यह कहना चाहता है कि सूचना का अधिकार पूर्णत सफल नहीं हो सकेगा बल्कि असफल हो जाएगा यदि इसे ई गवर्नेंस के साथ संलग्न नहीं किया जाता पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दूसरा ऑप्शन है ई गवर्नेंस मूलतः पर्दे के पीछे से उन्हें अभियांत्रिकी की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया है जो वास्तव में सेवा प्रदाय की करती है ई गवर्नेंस के माध्यम से हम सरकार की जो सेवाएं है उनको आसानी से प्राप्त कर पाते हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से वैसे ई ई सुशासन आप बोल सकते हो ई गवर्नेंस का हिस्सा है ई गवर्नेंस जो है ना यह सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है तमाम प्रकार की सूचनाएं आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एक प्रकार की अभियांत्रिकी की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया दोनों बातें सही है ए और आर सही है आर ए का सही व्याख्या है उत्तर नंबर एक होगा यदि और एक बात मुझे आपसे पूछनी है आप पूरे बाजार में पढ़ चुके हो पूरे राजस्थान की किताबें आपने छाण मारी है क्या ऐसा क्वेश्चन कभी मिला आपको किसी कोचिंग वाले ने दिया आपको अभी तो देखते जाओ मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेश करूंगा आर के हवा निकल जाएगी बड़े बड़ों की आप देखते रहिए आनंद अभी आना बाकी है यह तो शुरुआत है इसलिए लोग कहते हैं कि वास्तव में कंटेंट पढ़ना हो तो गुरु ज्ञान पब्लिकेशन से सब नीचे नीचे है। ये कोचिंग वाले खुद मानते हैं कोचिंग वाले खुद मानते हैं इस बात को है ना आइए चलते हैं इस क्वेश्चन का जवाब नंबर एक ए और आर दोनों सही है आर एक ही सही व्याख्या भी एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने क्या गजब का क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू आर कौन सा सत्य कथन है चलो चेक कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर टी अधिनियम के लिए सही है अधिनियम पांच के लिए कौन सा सही है यह लोगों को अंधेरे में रखने में रखने मदद करता है अरे अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करता है पहला तो अपने आप ही गलत है यह सरकार के काम काज में पारदर्शिता हाँ बढ़ावा देता है ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल सही है यह सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाता है बिल्कुल सही है यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाता है इन चारों में देखा जाए तो सबसे शानदार जवाब बनता है ये। का जवाब होगा उत्तर नंबर चार चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाता है एकदम सही और करेक्ट जवाब चलो भाई देखो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी और, और ट्रांसपेरेंसी वेरी इंपॉर्टेंट और यहां कंबाइंड है दोनों चीजें बिल्कुल उत्तर नंबर चार सही है ये रट लो यही चीजें आएंगी क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं आएगा एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने सूचना के अधिकार पर कानून बनाने वाला पहला भारतीय राज्य ये देखो क्वेश्चन महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात इस क्वेश्चन का जवाब होगा तमिलनाडु आइए चर्चा करते हैं तमिलनाडु के बारे में उत्तर नंबर दो तमिलनाडु राइट आंसर यानी सूचना के अधिकार पर कानून बनाने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु चलो चेक करते हैं दोस्तों ये देखो बात उन्नीस सौ छियानवे की है वर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन जो है उसके फादर थे उन्होंने एक दिन अचानक तत्कालीन कानून मंत्री अल्लादी अरुणा ध्यान रखना ये अरुणा राय नहीं है ये उनके कानून मंत्री है सरकार के अरुणा राय को सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी ड्राफ्ट में में तैयार किया और उसको सदन में पारित करवा लिया दोस्तों सत्रह अप्रैल उन्नीस सौ सत्तानवे को रट लेना सत्रह अप्रैल उन्नीस सौ सत्तावे को वहां की विधानसभा ने बजट सत्र में इसे पारित कर दिया और कितनी तारीख को मई उन्नीस सौ मई उन्नीस में उन्नी सत्तानवे में तमिलनाडु में, में ये कानून लागू हो गया और इस प्रकार से तमिलनाडु सूचना का अधिकार देने वाला पूरे देश का पहला राज्य बन गया जबकि दूसरा राज्य है गोवा दूसरा राज्य गोवा है यदि कुछ न तो गोवा कर देना यह देखो दूसरा राज्य गोवा भी बहु राष्ट्रीय कंपनियों को ध्यान में रखते हुए झटके से तमिलनाडु में जारी सूचना के अधिकार का पालन किया

किसी भी बोर्ड में जाइए किसी भी सरकारी कंपनी में जाइए वहां से कोई सूचना प्राप्त करनी है तो आपको जो लेटर लिखना होगा उस लेटर पे सबसे पहले लिखना होगा टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लोक सूचना अधिकारी फलाना फलाना लोक सूचना अधिकारी ठीक है तो यहां लोक सूचना अधिकारी होगा जनसंपर्क अधिकारी नहीं जनसंप्रेषण जन सूचना जनसंबंध जन सूचना को आप लोक सूचना भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब होगा उत्तर नंबर तीन जन सूचना अधिकारी और दोस्तों जनसूचना अधिकारी की परिभाषा यदि कोई आपसे पूछे एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं गौर से सुनना यदि कोई आप से पूछे कि आरटीआई अधिनियम का विस्तृत नाम और विस्तार क्षेत्र किस धारा में उल्लेख है धारा एक में आरटीआई अधिनियम का पूरा नाम और उसका अप्लाइड जो एरिया है कहां कहां लागू होगा इस बात का उल्लेख धारा एक में है और जितनी भी परिभाषाएं हैं वो धारा दो में है उस दो धारा के अंदर इस बात का उल्लेख है लोक सूचना अधिकारी का भी सूचना याद रखेंगे चाहे वो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हो चाहे राज्य का किसी विभाग का लोक सूचना अधिकारी परिभाषा कहां पर है धारा दो में आगे चलता हूं एक और शानदार क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा कितना गजब का क्वेश्चन है कौन सा सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रावधान नहीं है इनमें से आरटीआई अधिनियम का कौन सा प्रावधान नहीं है चलो चेक करते हैं नंबर एक गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को सूचना प्रदान करना मुफ्त है दोस्तों आरटीआई तो, अधिनियम जो है उसके बारे में एक तकड़ी बात बताता हूं आरटीआई अधिनियम के अंदर जब हम आवेदन करते हैं धारा छह के तहत और धारा सात के तहत हमें जवाब मिलता है सूचना अधिकारी के माध्यम से तो जब हम आवेदन करते हैं तो हमें दस रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर लगाना होता है हमें सूचना के लिए और यदि कोई बीपीएल का हो गरीबी रेखा से जी नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हो यदि वो आप अप्लाई करता है तो उसे एक भी रुपए नहीं देना पड़ता हमें दस रुपए और बाद में जब हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं सूचना अधिकारी हमसे बोलेगा कि ये बहुत सारे पेज हो रहे हैं तो पर पेज के दो रुपए हमें देने पड़ते हैं अलग से यही बात देखो गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को सूचना प्रदान करना फ्री है कोई पैसा नहीं लिया जाता बिल्कुल सही है सूचना प्रदान करने की सीमा रेखा पैंतालीस दिन है दोस्तों तो एक तकड़ी बात बताता हूं मान लो मेर पर ले लेता है या आप पर आरपीएससी पहले तो आरपीएससी के बारे में एक तकड़ी बात सुन लो एक जनवरी दो हजार चौबीस के बाद आरपीएससी में ऑफलाइन सूचना के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे साफ साफ शब्दों में इंफॉर्मेशन आ चुकी है प्रेस नोट रिलीज हो गया एक जनवरी दो हजार चौबीस के बाद आरपीएससी से कोई सूचना लेनी है तो वो केवल ऑनलाइन ले सकते हो और ऑनलाइन प्राप्त करने से संबंधित धारा का नाम है धारा चार टू वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की बात धारा चार टू में आता है वो तो अभी मैं दोबारा ले रहा हूं मान लो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और आरपीएससी से मुझे सूचना लेनी है तो सबसे पहले मैं लोक सूचना अधिकारी को लिखूंगा दस रुपए का पोस्टल ऑर्डर उसके साथ अटैच कर दूंगा तीस दिन के भीतर भीतर मुझे वो लोक सूचना अधिकारी सूचना देगा वो तो लोक सूचना अधिकारी मुझे तीस दिन में जब आप नहीं दे पाया या गलत दिया या देने में वो आनाकानी कर रहा है वगैरह वगैरह तो मैं प्रथम अपील अधिकारी को अपील करूंगा और प्रथम अपील अधिकारी उसी विभाग का वरिष्ठ अधिकारी होता है अब वो वरिष्ठ अधिकारी के पास मैंने अपील किया तीस दिन में तो तीस दिन के भीतर भीतर मैंने दोबारा अपील करी अपील करने के बाद उसका भी हक बनता है कि वो आपको तीस दिन में रिटर्न जवाब दे अपील अधिकारी यदि अपील अधिकारी आपको रिटर्न तीस दिन में जवाब नहीं दे तो उसे पंद्रह दिन और भी मिलते हैं अधिकतम पैंतालीस दिन में आपको सूचना दिला सकता है यही बात ये रही पर सूचना प्रदान करने की सीमा रेखा पैंतालीस दिन अधिकतम कितने दिन तक पैंतालीस दिन वैसे तो सामान्यतः तीस दिन में सूचना देनी होती है लेकिन कुछ कारण बता करके वो पैंतालीस दिन भी ले सकता साफ साफ शब्दों तो में इस बात का उल्लेख है आ सूचना और सुरक्षा संगठन तक क्षेत्राधिकार विस्तृत है गलत हो गया आ सूचना का मतलब है इंटेलिजेंट सुरक्षा सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन उनके तक सूचना उनसे सूच, उनकी सूचना हम नहीं ले सकते दोस्तों आपने कभी आर टी ए अधिनियम पढ़ा होगा उसके अंदर एक धारा आती है आठ धारा आठ के अंदर है उप धारा एक आठ एक जिसको हम बोल सकते हैं मैं लिख देता हूं धारा आठ एक दोस्तों धारा आठ एक के अंदर कुछ ऐसी सूचनाएं होती है जिनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो जो आधार है वो आधार है देश की एकता अखंडता सुरक्षा वगैरह वगैरह तो वो क्या क्या है वो उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे उसमें एक शामिल है आसूचना यानी इंटेलिजेंसी और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन वहां तक इनकी सूचना हम नहीं प्राप्त कर सकते तो दोस्तों ये बात देखो इसने लिखा है विस्तृत है जो गलत हो गया बाकी प्रत्येक विभाग में सूचना अधिकारी की नियुक्ति ये बात तो सही है मैं आपको इसी को विस्तार से समझाने के लिए तैयार हुआ हूं बहुत गजब का क्वेश्चन बनता है आइए चर्चा करते हैं देखो दोस्तों देखो कितनी गजब की बात है एक एक पॉइंट गौर से सुनना एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आरटीआई अधिनियम का इस धारा का यहां से मैंने देखा है आरपीएससी ने अनेक क्वेश्चन पूछे हैं अभी मैं सारी पोर्टल ही आपके सामने खोल दूंगा कौन कौन से इस धारा से क्वेश्चन आए हैं आप हैरान हो जाओगे आप दांतों तकले अंगुली दबाने पर मर, मजबूर हो जाओगे अरे यार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या आओ दिखाता हूं सूचना के प्रकटन के किए जाने से छूट धारा आठ उपधारा एक यानी धारा आठ की उपधारा एक में कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिनको नहीं दिया जा सकता जिनको देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि तो वो देश की एकता अखंडता से संबंधित होती चलिए चर्चा करते हैं सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता अखंडता राज्य की सुरक्षा रणनीति वैज्ञानिक आर्थिक हित आर्थिक हित आर्थिक हित विदेश संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो यानी न्यायपालिका ने निषिद्ध कर रखा हो जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान हो जाए न्यायपालिका बोले यह सूचना नहीं देनी और दे दो तो न्यायालय बोले न्यायपालिका की अवमानना के लिए आपको दो ठहराया जाता है है ना संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार को भंग करने वाली सूचना नहीं देनी सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास व्यापार से संबंधित वाणिज्य से संबंधित कोई विश्वास हो व्यापार गोपनीयता व्यापार से संबंधित जो बातचीत होती है वो गोपनीय रखनी पड़ती है बौद्धिक संपदा इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी जिनको हम बोलते हैं जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है यदि ऐसी सूचना दे देने से किसी की जो तो कंपटीशन होता है ना व्यापार वगैरह से तो वो प्रतियोगी स्थिति को नुकसान हो जा रहा है ऐसी जानकारी नहीं देनी किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना दोस्तों मान लो मेरी बात कर लेते हैं मेरी नातेदारी के अंदर कोई एक बहुत बड़ी सूचना है जो मेरे पास है तो वैश्वासिक नातेदारी विश्वास पर आधारित जो नातेदारी है उससे संबंधित कोई सूचना है उसको प्रकटन नहीं कर सकते कितनी गजब की बात जहां तक कि सक्षम प्राधिकारी या समाधान नहीं हो जाता कैसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में टपक सकता है यह पॉइंट यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी विदेशी सरकार के विश्वास में किसी विदेशी सरकार मान लो हमने पाकिस्तान से अफगानिस्तान से चाइना से या अमेरिका से कोई विश्वास में हमने सूचना ले रखी है हम इसका प्रकटन नहीं कर सकते आगे चलते हैं सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा सूचना नहीं देनी है सूचना जिसे अपराधियों के अन्वेषण पकड़े जाने और अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पैदा हो जाए यानी मान लीजिए कोई षड्यंत्र के तहत या कोई गैंगवार के तहत किसी की हत्या हो गई और ऐसी समय में एनआईए वगैरह कोई जांच कर रही है तो जांच करते वक्त हम कोई सूचना उससे नहीं ले सकते क्योंकि वहां अपराधियों के पर जो अन्वेषण हो रही है पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया जो है कौन कौन सी हम अभियोजन की प्रक्रिया में हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं उनके बारे में सूचना देना जरूरी नहीं मंत्रिमंडल के कागज पत्र इसका मतलब राजस्थान के अंदर अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ यदि मंत्रिमंडल गठन कल हो और उसकी लीक हो जाए आज तो कितना गलत होता है कितना गलत संदेश जाता है तो इस प्रकार की सूचना सूचना लोक अधिकारी नहीं देगा जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि कल सत्ताईस तारीख को बोल रहे हैं कि कल मंत्रिमंडल का गठन होगा और मैंने फोन किया या ईमेल कर दी लोक सूचना अधिकारी को किसको कर सकता हूं के किसी लोक सूचना अधिकारी को या मैं केंद्र सरकार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी मोदी का जो पीएमओ है उसमें कर दूं और वहां से मुझे सूचना मिल जाए कि लिस्ट मेरे पास है चिंता मत करो मैं कल बारह बजे तीन बजे रिलीज करूंगा तुम तो अभी ले लो वीडियो पर बोल दो आ जाओगे मार्केट में ट्रेंड हो जाओगे ना भाई ना ऐसा नहीं हो सकता मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें परिषद सचिव और अन्य दिवारियों के विचार विमर्श के अभिलेख है नहीं कर सकते व्यक्तिगत सूचना भी नहीं देखो जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित में संबंधित रखता है और जिसे व्यस्त की एक पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा नहीं दिया जा सकता एक तकड़ी चीज और देखो यहां से आगे बढ़ता हूं मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जो क्वेश्चन में आया था दोस्तों यह देखो दूसरी अनुसूची आरटीआई अधिनियम की जो दूसरी अनुसूची है उसके अंदर धारा चौबीस के अंतर्गत एक तकड़ी बात थी केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना इंटेलिजेंसी और सुरक्षा सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं जिनकी सूचना नहीं दी जा सकती आइए चेक करते हैं आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंसी ब्यूरो एक अनुसंधान और विश्लेषण खंड जिसके अंतर्गत तकनीकी खंड मंत्रिमंडल सचिवालय का विमानन अनुसंधान केंद्र भी राजस्व आसूचना निदेशालय केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो परिवर्तन निदेशालय व्यापक नियंत्रण ब्यूरो विशेष सीमांत बल, सीमा सुरक्षा बल केंद्रीय आरक्षित बल बस एक बार पढ़ लो पेपर में आएंगे वैसे ही सही करके आ जाओ रटना नहीं है समझना है इस चीज को। पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल भारत तिब्बत बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी भारत के जितने भी बल हैं वो सारे शामिल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड असम राइफल सशस्त्र सीमा बल आयकर महानिदेशालय भी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन वित्तीय सूचना यूनिट विशेष सुरक्षा ग्रुप रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ सीमा सड़क विकास बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण राष्ट्रीय सूचना ग्रिड और सामरिक सेवा कमान तमाम प्रकार के संगठन आपके सामने स्क्रीन पर है चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में तो बड़े बड़ों की हवा निकल जाए आप में से ये घमंड में मत रहना मैं तो आपको एक बात बोलता हूं ये घमंड कभी मत पालना कि मैंने फलाने के नोट पढ़ लिए फलाने का वीडियो देख लिया फलाने का कंटेंट पढ़ लिया कुछ नहीं है अरे मेरा सपन पाठ मैं तन चाटू तू, तू मन चाट संघर्ष करना पड़ेगा ये चीजें पढ़नी पड़ेगी ओरिजिनल है आओ चेक कराता हूं मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम दो हजार पांच की धारा चारोकारी की बाद देता लोक प्राधिकारी जो होता है उसकी क्या क्या बात देता है वो तो किस में उल्लेख है धारा चार में आपके सामने देखो ऑप्शन अपने संगठन की विशिष्ट कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण, इतना गजब का क्वेश्चन है मुझे लगता है सौ में से कोई एक व्यक्ति इस क्वेश्चन को सही कर सकता बाकी सब की हवा निकल सकती है कितना गजब का क्वेश्चन है देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि ये चारों ऑप्शन में फोन में खोलू फिर मैं ओरिजिनल आपको साइट पे दिखाऊं ताकि आप दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर हो जाए इसे कहते हैं आरपीएससी, आरपीएससी पूछती है ना बड़े खतरनाक क्वेश्चन पूछती है तो इसलिए न, इतना ज्यादा वो नहीं उड़ना है कि मेरे को तो सब कुछ आ रहा है मैं इस आदमी की क्लास क्यों देखू में मत रहना कुछ भी आ सकता है चलो मैं आपको चेक करा देता हूं ये मैंने 25 नंबर क्वेश्चन मेरे फोन में निकाल लिया है अब मैं इस क्वेश्चन किया ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको दिखाने जा रहा हूं आइए चर्चा करते हैं सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं अध्याय टू और धारा अध्याय टू के अंदर दो इंपॉर्टेंट धारा धारा नंबर तीन धारा तीन कहती है सूचना का अधिकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना अधिकार होगा सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार धारा तीन में सभी नागरिकों को उपलब्ध रहेगा ठीक है धारा चार लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं बाध्यताएं आओ चर्चा करते हैं पहला ऑप्शन क्या था अपने संगठन की विशिष्ट कृत्यों कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना चलो भाई इसको पढ़ो प्रत्येक लोक प्राधिकारी का कर्तव्य क्या है एक नंबर का और में खा, खा, खा देखो इस अधिनियम के से 120 दिन के भीतर कितने दिन के भीतर 120 दिन के भीतर अपने संगठन की विशिष्टता कृत्य और कर्तव्य पहला ऑप्शन पूरा प्रकाशित करना है अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य प्रकाशित करना है एक सौ बीस दिन में प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया का पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व प्रकाशित करना है और अपने द्वारा अपने धारित, अपने धारित कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के प्रयोग किए गए नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख प्रकाशित करना है 120 दिन में ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित प्राधिकरण के द्वारा धारित और उसके नियंत्रणाधीन है पर वर्गों का विवरण भी प्रकाशित करना ऐसे बोर्डों के बारे में तमाम बातें प्रकाशित करना सारी बातें प्रकाशित करना 120 दिन में पहला ऑप्शन सही है अब दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना अपडेट करना यह गलत है हर महीने अपडेट नहीं करना चलो भाई हर महीने अपडेट नहीं करना है आइए भाई प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा हर वर्ष वार्षिक आधार पर एक साल में एक बार अद्यतन करेगा हर महीने नहीं करना इतना गजब का क्वेश्चन है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करेगा अपडेट करेगा दूसरा ऑप्शन सही होगा क्योंकि तो वो बात गलत है उसने में लिखा है हर माह क्वेश्चन में हर माह है जबकि ये देखो हर वर्ष अद्यतन करेगा तीसरा ऑप्शन सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बन सके आओ पहला ही पहला देखो भैया देखो 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 लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं प्रत्येक लोक प्राधिकारी देखो अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिका बद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है सुलभ बनाता है देखो सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित करना जिससे इस अधिकार को उपयोग सुकर बन सके एक और बच गया सभी अभिलेखों का, का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण चलो भाई वो भी दिखा देते हैं सभी अभिलेखों का किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे जो तो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो और कहा गया कहा गया मिलेगा जाएगा कहां मैंने इतना शानदार तरीके से आपके लिए तैयार किया है अब वो पता नहीं हाँ ऊपर ही मिलेगा यहां मिलेगा ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए सूचीबद्ध है सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है इस प्रकार से ये तमाम बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना हो सकता है यही क्वेश्चन अलग टाइप में आ जाए आपके सामने कितना गजब का क्वेश्चन था मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करना चाहता हूं ध्यान रखना इसमें सीधा क्वेश्चन बनेगा कि वह आर टी अधिनियम की कौन सी धारा है जिसमें लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं दे रखी है तो आपको उत्तर करना है धारा चार धारा चार में तमाम प्रकार की बातें आपके सामने आ गई है मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं एक और सुपरहिट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है देखो क्या गजब का क्वेश्चन है क्या शानदार क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम दो के अनुसार सूचना का अधिकार इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रण धारित है अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें अधिकार सम्मिलित है इसका मतलब यह हुआ इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कितना प्यारा क्वेश्चन है मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाने जा रहा हूं लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा यह क्वेश्चन कह रहा है कि आरटीआई अधिनियम दो के तहत सूचना का अधिकार इस अधिनियम के अधीन के अधीन पहुंच योग्य सूचना पहुंच योग्य सूचना जो सूचनाएं किसी लोक प्राधिकारी द्वारा नियंत्रण अधीन में है अधिकार में है उसमें कौन कौन शामिल है मान लो मैं लोक कोई एक लोक सूचना अधिकारी है उसके पास उस विभाग की बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं मेरा यह अधिकार है सूचना का अधिकार सूचना प्राप्त करने का अधिकार अब मैं जैसे ही जाऊंगा तो मुझे वहां जाकर के वहां जाकर के मैं कौन कौन से सूचना के अधिकार के तहत कौन कौन सी चीजों को देख सकता हूं कौन सी सूचना मैं ले सकता हूं जो सारी की सारी सूचनाएं उस सूचना अधिकारी के अंदर है मतलब उसके पास है उसके नियंत्रण में है वो कौन कौन सी चीजें हैं कृति के निरीक्षण का दोस्तों इंस्पेक्शन ऑफ वर्क वहां जो काम हो रहा है विभाग का मैं उस विभाग का काम चेक कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं आरटीए अधिनियम के तहत इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं वहां के दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता हूं कर सकता हूं बिल्कुल सही है अभिलेखों के निरीक्षण का इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड वहां के रिकॉर्ड चेक कर सकता हूं नंबर चार सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल वहां पर जितने भी मटेरियल है या कोई भी पूछा गया है। दोस्तों, मैं इस को थोड़ा सा आपके सामने यूं पेश करूंगा मैं चाहता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को फोन में खोल लू ताकि आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा तो आपको लगना चाहिए कि वास्तव में क्या कंटेंट है आइए चर्चा करते हैं ये लो दोस्तों इतनी प्यारी और शानदार बात आपके सामने स्क्रीन पर है आईटीआई अधिनियम की धारा दो जिसमें सभी प्रकार की परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं में दो परिभाषा आपके सामने है नंबर एक परिभाषा अभिलेख की कोई पूछे कि आईटीआई अधिनियम 2005 के तहत अभिलेख की परिभाषा किस धारा में है आपका उत्तर होगा दो अभिलेख में क्या क्या चीजें शामिल है वो आपके सामने है दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है सूचना का अधिकार दोस्तों सूचना का अधिकार इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है अधिकार विपरीत है और उसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है जैसा क्वेश्चन था वैसा का वैसा स्टडी मटेरियल आपके सामने है चलो चेक करते हैं पहला पॉइंट कृति दोस्तों कृति दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण यही क्वेश्चन था कृति का निरीक्षण पहला पॉइंट अर्थात इंस्पेक्शन ऑफ वर्क दूसरा था दस्तावेज का निरीक्षण दोस्तों ये रहा दस्तावेज तीसरा था अभिलेख ये रहा अभिलेख तीनों आ गए ना एक में उसके बाद दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण दोस्तों उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना यह था चौथा ऑप्शन उसके बाद में सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना यह भी था क्या गजब का कंटेंट है ये देख लो आपके सामने धारा टू में एक चीज और भी दिखा सकता हूं जो आपके काम की है यह भी इसमें ही शामिल है अधिकार में ही डिस्केट फ्लॉपी टेप वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है प्राप्त करना है यह प्राप्त करना का मतलब ये तमाम प्रकार की चीजें मैं ले सकता हूं देख सकता हूं चेक कर सकता हूं प्राप्त कर सकता हूं यह मेरा अधिकार है और यह तमाम प्रकार की सूचनाएं सूचना नियंत्रण रखी है उस लोक सूचना अधिकारी ने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं आपको अभिलेख बताने जा रहा हूं कौन सा अभिलेख ये देखो अभिलेख की परिभाषा में कौन कौन शामिल है कोई दस्तावेज पांडुलिपि और फाइल क्वेश्चन बन सकता है गलती मत करना आरटीआई अधिनियम के तहत कौन अभिलेख में शामिल है दस्तावेज पांडुलिपि फाइल तीन ट्यूशन बनेगा गलती मत करना मुझे ऐसा वो मैं कह सकता हूं इस बारे में थोड़ा बहुत फीलिंग आ रही है ट्यूशन आ सकता है किसी दस्तावेज की कोई माइक्रो फिल्म माइक्रोफिस प्रतिकृति या ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों का पुनरुत्पादन चाहे वर्धित रूप में हो या और किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री ये तमाम प्रकार की चीजें अभिलेख में आती है ओके इतना शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन था कैसा लगा और कंटेंट भी प्लीज जरूर लिखें अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखो एक और सुपर हिट क्वेश्चन कर रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पांच की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी द्वारा पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा क्या जब का क्वेश्चन बनाया बंदे ने यहां से आपको एक तकड़ी चीज बताता हूं जिंदगी में कभी गलत हो ही नहीं सकता क्या दोस्तों आपको याद रखना है आपको एक तकड़ी बात यह याद रखनी है कि धारा पंद्रह धारा पंद्रह इस धारा पंद्रह के अंदर राज्य सूचना आयोग के गठन के प्रावधान है तो याद रखें आरटीआई 2005 के कौन सी धारा में राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन के प्रावधान है धारा पंद्रह सेक्शन पंद्रह अब मैं सेक्शन पंद्रह के बाद सोलह सत्रह अठारह इन सब सब की बात करने जा रहा हूं दोस्तों एक धारा है वेरी इंपॉर्टेंट है धारा उन्नीस यदि कोई आपसे पूछे कि धारा उन्नीस में क्या है तो आप साफ साफ शब्द लिखोगे अपील दोस्तों तो धारा उन्नीस में अपील है अपील। और इसमें तीन धारा जो आपको रट लेनी है तीन धारा जो आपको रट लेनी है नंबर एक उन्नीस एक नंबर दो उन्नीस तीन और उन्नीस सात ये तीनों रट लेना कभी जिंदगी में यहां से क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता उन्नीस एक में दोस्तों तो एक बात दोबारा सुनो धारा छह में लोक सूचना अधिकारी से हम के पास हम आवेदन कर सकते हैं सूचना के लिए धारा कहती है कि लोक सूचना सूचना अधिकारी आपको सूचना देगा तीस दिन में ये दोनों बातें हैं यदि आपके जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित कोई मामला हो तो आपको अड़तालीस घंटे में सूचना मिलेगी धारा सात में इसका उल्लेख है अब दोस्तों मान लो मेरे को लोक सूचना अधिकारी ने सूचना नहीं दी या गलत दी या मैं संतुष्ट नहीं हूं या लोक सूचना अधिकारी है ही नहीं तो ऐसे समय में क्या मैं अपील नहीं करूंगा तो अपील का धारा 19 में है दोस्तों मैं अपील करने जा रहा हूं और अपील सबसे पहले कहां करूंगा उस विभाग के प्रथम अपील, अपील अधिकारी के पास जैसे आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी में लोक सूचना अधिकारी जो है उसने हमारे साथ बदमाशी कर ली तो हम क्या करेंगे प्रथम अपील अधिकारी आरपीएससी का सेक्रेटरी सचिव होता है हम उसको अपील करेंगे तो अपील का उल्लेख धारा उन्नीस एक में है प्रथम अपील वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रथम अपील का उल्लेख किस में उन्नीस एक में अब उन्नीस एक में ही एक तकड़ी बात है प्रथम अपील अधिकारी हमें तीस दिन के भीतर भीतर हमें सूचना दिलाएगा उसे अधिकतम पैंतालीस दिन मिलते हैं पंद्रह दिन एक्स्ट्रा यदि वो कारण बताए तो तो पेंत, अधिकतम पैंतालीस दिन उसके पास है वह सूचना देगा मान लो वो सूचना देने में नाकाम रहता है तो हम द्वितीय और अंतिम अपील के लिए जाएंगे राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो कि झालाना में है झालाना जयपुर वहां पर जाएंगे तो दोस्तों धारा उन्नीस तीन द्वितीय अपील लो यह द्वितीय अपील दोस्तों अब हम द्वितीय अपील कब करेंगे प्रथम अपील अधिकारी ने मान लीजिए आज हमें आज हमें आज की तारीख में हमें इसने कोई न कोई बात जवाब दिया है या तो उसने गलत सूचना दिलवाई है प्रथम अपील ने या हमें सूचना देने के लिए मना कर दिया है वगैरह वगैरह तो आज की तारीख से 90 दिन के भीतर भीतर मैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकूंगा उसे हम द्वितीय अपील कहेंगे द्वितीय अपील उन्नीस तीन में है आर्थिक सेक्शन उन्नीस के तीन में अपील नब्बे दिन के भीतर भीतर क्लियर हो गई हां यदि राज्य सूचना आयोग को लगे कि नब्बे दिन से भी ज्यादा समय हो गया है और युक्त, युक्त कोई रीजन बताया जाए तो वह बाद में भी असेफ्ट कर लेता है ये बात आप याद रखेंगे अंत में एक तकड़ी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है अब क्योंकि तो हम जानते हैं कि राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है और शासी निकाय है उसका डिसीजन अंतिम होता है और बाध्यकारी होता है अर्थात वो किस पर जुर्माना लगाएगा लोक सूचना अधिकारी पर न की प्रथम अपील अधिकारी पर लोक सूचना अधिकारी पर क्या लगाएगा वो जुर्माना लगा सकता है जुर्माने की अलग चर्चा करूंगा लेकिन राज्य सूचना आयोग द्वारा दिया गया डिसीजन बाध्यकारी होता है बाध्यकारी होता है अर्थात राजस्थान राज्य सूचना आयोग का निर्णय बाध्यकारी होगा बाध्यकारी होगा रट लो ये तीन बातें रट लेना कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं इन तीन के अलावा कोई आता ही नहीं है ना तो उन्नीस दो आता ना चार आता ना पांच आता उनमें दम नहीं है मजा नहीं है जो इन तीनों में तीनों आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा बाध्यकारी होगा रट लो आओ दिखा देता हूं देखो ये लो भाई कितनी प्यारी बात है एक बहुत ही गजब की बात है जो आर एस में आया था क्वेश्चन दोस्तों यही आर एस में आया था क्या है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18, 19 और 20 में सूचना आयोग चाहे वो राज्य सूचना आयोग हो चाहे राष्ट्रीय सूचना आयोग हो मैं सूचना आयोग के कृत्य शक्तियों का वर्णन है यदि कोई क्वेश्चन आए कि वह आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा है जिसमें सूचना आयोग के कृत्यों और शक्तियों का उल्लेख नहीं है अठारह उन्नीस बीस बारह आपका उत्तर होगा बारह आर एस में आया था यह देखो सेम अब मैं यहां से ले रहा हूं अठारह उन्नीस और बीस दोस्तों तीनों के तीनों आपके सामने अठारह उन्नीस और बीस जिसमें से मैं उठाने जा रहा हूं सेक्शन उन्नीस सेक्शन उन्नीस की चर्चा करने जा रहा हूं आइए चर्चा करते हैं लो भाई क्या गजब का कंटेंट है ये लो अपीलिया शक्तियां राजस्थान राज्य सूचना आयोग की साइट से आपके लिए गजब का कंटेंट चलो चेक करते हैं में में अपील धारा 19 में अपील धारा प्रथम अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय इसका मतलब हमने अपील करी थी उन्नीस एक में क्या है प्रथम अपील अधिकारी को की गई अपील और उसने बाद में डिसीजन दिया उन्नीस एक के तहत तो उसके विरुद्ध हम द्वितीय अपील सुनने का अधिकार किसको है धारा उन्नीस तीन के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग को है कि नहीं है ये रहा प्रथम अपील के निश्चय के विरुद्ध प्रथम अपील उन्नीस एक में जो उसने भी किया जो उसने हमें सूचना दी गलत सलत कुछ भी उसके विरुद्ध द्वितीय अपील उस तारीख से जिस तारीख को उसने प्रथम अपील वाले अधिकारी ने निश्चय कर रखा है उस दिन से आगे चल करके हम क्या करेंगे नब्बे दिन के भीतर भीतर राजस्थान राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकते। और सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताए गए विलंब के कारण से संतुष्ट है तो अपील की सुनवाई दर्ज की जा सकती है नब्बे दिन से ज्यादा भी एक तकड़ी बात अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है उस लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध की अपील की सुनवाई की जा रही है आवेदन किया है स्वीकृति के औचित्य के प्रमाणीकरण का भार संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा न कि अपील अधिकारी पर उन्नीस सात के तहत सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा यहां से क्वेश्चन आया था हु था वेरी इंपोर्टेंट एक और गजब का क्वेश्चन यहां से देखो उन्नीस एक में अपील हम कर रहे हैं तीस दिन के भीतर भीतर ध्यान रखना लोक सूचना अधिकारी भी तीस दिन में हमें को जवाब देगा हम अपील अधिकारी के पास कर रहे हैं प्रथम के पास तो दिन दिन के भीतर भीतर करेंगे और वो तीस दिन में हमें जवाब देगा लेकिन वो पैंतालीस दिन भी ले सकता है प्रथम अपील अधिकारी अधिकतम पैंतालीस दिन ले सकता है याद रखना ये क्वेश्चन बनेगा पैंतालीस दिन वाला वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है देखो तीस दिन पैंतालीस दिन ठीक है देखो देखो यहां परंतु ऐसा अधिकारी तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो गया यह बात आपको पैंतालीस दिन वाली मिलेगी थोड़ी नीचे चलते हैं कहीं कहीं मिलेगी हंड्रेड परसेंट यहां नहीं है वो याद आएगी तो मैं बताऊंगा आपको चलते हैं तीस दिन नब्बे दिन सूचना अधिकारी सॉरी राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन यह रहा और यह रही दोस्तों ये देखो पैंतालीस दिन वाली बात देखो यहां से मैं समझाने जा रहा हूं कितनी तगड़ी बात है देखो धारा उपधारा के अधीन अपील का निपटारा लेख बद किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसा विस्तारित अवधि के लिए भीतर जो इसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक ना हो प्रथम अपील अधिकारी को आपने अपील कर रखी है ना वो तीस दिन में सूचना देगा लेकिन वो अधिकतम पैंतालीस दिन भी ले सकता है ये देखो वेरी इंपोर्टेंट था अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखो अरे वाह क्या गजब का क्वेश्चन आया है इतना गजब का क्वेश्चन है और ऐसे आरपीएससी क्वेश्चन दे दे तो तुम चाहे कितने भी तकड़े टैलेंटेड क्यों ना हो हवा निकल ही जाएगी क्योंकि तो आपने ये चीज तो पढ़ी नहीं होगी ना बाजार के अंदर जो पढ़ाया जाता है बस वही सब कुछ होता है थोड़ा सा ऊपर सोच नहीं पाते क्या पता कहां से क्वेश्चन आ जाए हर वो चीज बताने का मैं प्रयास करता हूं इसलिए विद्यार्थी प्यार करते हैं इसलिए गुरु ज्ञान से प्यार करते हैं प्यार करने का रीजन यह बड़ी ईमानदारी के साथ और बिना किसी स्वार्थ के साथ कोई स्वार्थ नहीं है यदि मेरा स्वार्थ होता तो मैं पिछले एक डेढ़ घंटे से बक रहा हूं बोल रहा हूं शब्द आपके तक मेरी पहुंच रहे मैं पचास बार बीच में बोल चुका होता लाइक करो लाइक करो शेयर करो मुझे मतलब ही नहीं है तुम करो या ना करो लेकिन तुम्हारा जीवन सफल होगा उस दिन तुम याद करोगे क्या वास्तव में बंदे ने चीज पढ़ाई मजा आ गया ये आपके निकलेंगे सब हाँ हो सकता है तुम किसी कोचिंग वाले के दबाव में ये बात अब नहीं बोलोगे लेकिन तुम अंदर ही अंदर जब बैठ करके सोचोगे तो यहां से निकलेगी आवाज वास्तव में यार बंदे ने पढ़ाया क्या चीज है ना आओ चर्चा करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81 सूचना का प्रकटन नहीं करने वाली बातें याद आ गई सूचना नहीं देनी है 81 में निम्नलिखित में से किस विकल्प उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं हो सकती आठ एक याद आ गई क्या मैं वो तमाम बातें बताई थी आपको सारी की सारी की जिनकी सूचना नहीं मिलेगी हमें चलो क्या कहता है सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेष अधिकार का भंग कारित होगा मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बिल्कुल पढ़ाया था पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है अर्थात यह सूचना नहीं मिलने वाली किसी विदेशी सरकार के विश्वास में प्राप्त सूचना नहीं मिलने वाली सूचना जिसके प्रकटन से भारत की सा और अखंडता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है नहीं मिलेगी सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती है है इससे कोई मतलब नहीं यह सूचना आपको मिल जाएगी इतना गजब का क्वेश्चन था यह तीनों के तीनों में बताना चाहता हूं दोस्तों जो मैंने कंटेंट पढ़ाया उस कंटेंट में यह बातें हैक नहीं है अभी चेक करा देता हूं आपको सच में लगेगा कि वास्तव में यार बंदे ने पढ़ाया है है ना इसलिए मैं चाहता हूं वो चीज आपको बताऊं चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई ये क्वेश्चन है अपना ये लो भाई है क्या दोस्तों इसका उत्तर नंबर चार है चलो भाई छब्बीसवा क्वेश्चन मैंने फोन में खोल लिया है ये लो आठ धारा आठ आठ एक में सूचना का प्रकटन नहीं करने वाली बातें छूट की बात चलो भाई ऑप्शन नंबर एक सूचना प्रकटन से संसद संसद वाली बात दोस्तों प्रकटन से संसद संसद देखो 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 संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा पहला ऑप्शन क्लियर हो गया किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना दोस्तों किसी विदेशी सरकार के में से विश्वास में प्राप्त सूचना फिर देखो सूचना जिसके प्रकटन से एकता अखंडता एकता सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता एकता अखंड अखंडता बता रहा है कि नहीं आ रहा सच बताओ बहु इसीलिए कह रहा हूं पढ़ो गुरु ज्ञान से सलेक्शन लेना है तो आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आपको सौगंध है आज ये क्लास आप अभी तो शेयर करना मत लेकिन जब भी आपका मूड हो शेयर जरूर करना ताकि लोगों को पता चले अपनी औकात

जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में है बारह बारह में, में, में सूचना आयोग का गठन तेरह तेरह में केंद्रीय सूचना आयोग की पदावधि चौदह में सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को पद से हटाया जाना तो तेरह चौदह बारह तेरह चौदह में केंद्रीय सूचना आयोग पंद्रह सोलह सत्रह में राजस्थान राज्य सूचना आयोग या स्टेट का सूचना आयोग सूचना आयोग का गठन पंद्रह में सोलह में पदावधि और सेवा सर्तें और सत्रह में इन सबको पद से हटाया जाना अध्याय तीन और अध्याय चार तीन और चार अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है चलो लो भाई राजस्थान राज्य सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का फंडा आपके सामने पेश कर रहा हूं आपको आनंद आना चाहिए देखो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा पंद्रह के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन रियल में तेरह चार दो हजार छ को किया गजट नोटिफिकेशन कितनी तारीख को हुआ तेरह अप्रैल दो हजार छ को लेकिन ठन उस तिथि को माना जाता है जिस तिथि को प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई जाती है तो बताइए अठारह चार दोस्तों ये रही किसको शपथ दिलाई गई एम डी कोरानी प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरानी को शपथ दिलाई गई पद पद बहार ग्रहण किया शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल नियुक्त कौन करता है राज्यपाल पद से हटाता कौन है रट लेना राज्यपाल क्या करेगा राज्यपाल निर्देश देगा सुप्रीम कोर्ट को कि तुम इस बंदे पर जो कुछ आ, आ, वो आरोप है इनकी जांच करो सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच करके रिपोर्ट पेश करेगा राज्यपाल को राष्ट्रपति को नहीं रट लेना राज्यपाल उस रिपोर्ट के आधार पर इसको हटा देगा राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सुप्रीम को, कोर्ट को, को आदेश कौन दे रहा है राज्यपाल न कि राष्ट्रपति गलती मत कर देना पद ब्रहण कर लिया भाई कोरानी ने और उसके बाद में 18 चार 2011 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है राजस्थान राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त एम डी कोरानी दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त टी श्रीनिवासन दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त टी श्रीनिवासन और उसके बाद में तीसरे मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश चौधरी और चौथे मुख्य सूचना आयुक्त टीबी गुप्ता अभी तक राजस्थान के चार ही मुख्य सूचना आयुक्त हुए लेकिन सूचना आयुक्त की लंबी लिस्ट है सूचना आयुक्तों की लंबी लिस्ट है मैं बांस के सुना रहा हूं मैंने आपके लिए तैयार किया लेकिन आपको दे नहीं पाया मैं खेद प्रकट करता हूं एम डी कोरानी एक श्रीनिवासन e दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त और एक प्लस दस आवश्यकता अनुसार अधिकतम दस आयुक्त हो सकते हैं लेकिन राजस्थान में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत है एक प्लस चार कितने पद स्वीकृत है अधिकतम कितने हो सकते हैं आर कानून के तहत एक प्लस दस हो सकते हैं लेकिन राजस्थान में स्वीकृत कितने हैं एक प्लस चार याद रखना गलती मत कर चलो भाई डी कोरानी और टी श्रीनिवासन सुरेश चौधरी और डीपी गुप्ता ये चार मुख्य सूचनायुक्त अब मैं आपको सूचना आयुक्त कौन कौन रहे टी श्रीनिवासन सूचना आयुक्त भी रहे थे बाद में मुख्य सूचना आयुक्त पी एल अग्रवाल पी एल पी एल अग्रवाल चंद्रमोहन मीणा यानी सीएम मीणा आशुतोष शर्मा लक्ष्मण सिंह राजेंद्र प्रसाद बरवड़ नारायण बारेट शीतल धनखड़

प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है तो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है देखो भैया अंतिम अपील उन्नीस के उप सेक्शन तीन में याद आ गया आर आई सी राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन उत्तर नंबर दो चलो भाई ये लो अपील ये सकती वैसे तो इनकी मैं चर्चा पहले कर चुका हूं देखो भाई प्रथम अपील उन्नीस एक में जो लोक सूचना अधिकारी के जस्ट ऊपर वाले अधिकारी को करनी है द्वितीय अपील उन्नीस तीन में राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पास राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश होगा उन्नीस सात और शास्त्री शास्ती का मतलब था दंड अब दोस्तों राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पास में हमने द्वितीय अपील कर रखी है सेक्शन उन्नीस तीन के तहत अब राजस्थान राज्य सूचना आयोग क्या करेगा जांच करेगा इन्वेस्टिगेशन करेगा जांच करने के बाद उसको लग गया कि लोक सूचना अधिकारी दोषी है तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाए तो जुर्माना लगा दिया जाए तो वो बाध्यकारी होगा वो जुर्माना देना पड़ेगा कितना प्रतिदिन अढ़ाई सौ रुपए अधिकतम पच्चीस हजार रुपए चेक कर लो ये देखो प्रतिदिन अढ़ाई सौ रुपये वह उस पर आवेदन प्राप्ति तक या सूचना उपलब्ध कराने तक दो सौ रुपए दो सौ पचास रुपए प्रतिदिन अधिकतम पच्चीस हजार रुपए होगा हो गया काम तो सर बन सकता चले और इस बात का उल्लेख कौन सी धारा में हो सकता यही आ जाए कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा शास्ति अर्थात दंड का उल्लेख लोक सूचना अधिकारी को दिया गया दंड जो कि बाध्यकारी होगा और यह दंड किस धारा के तहत दिया जाता है बीस एक इसका मतलब धारा बीस में दंड का उल्लेख है 19 में किसका उल्लेख है दोस्तों 18 18 में शक्ति याद रखो 18 में शक्ति 19 में अपील 20 में शास्ति यानी दंड बताओ क्या है 18 में शक्ति 19 में अपील 20 में दंड यानी शास्ति गलती मत करना आगे चलता हूं एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर राजस्थान सूचना आयोग सूचना आयोग राजस्थान राज्य सूचना आयोग प्रबंधन विनियम सॉरी विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 चार के तहत बनाया गया था दोस्तों राजस्थान के अंदर सूचना आयोग से संबंधित जो नियम बनाए गए सूचना आयोग का मैनेजमेंट करने के सूचना आयोग को चलाने के लिए नियम बनाए गए ये नियम बनाए गए थे 2007 में और ये नियम बनाने ये की छूट है आर अधिनियम के धारा पंद्रह की उपधारा चार में हम जानते हैं कि अध्याय चार के अंदर अध्याय चार के अंदर धारा पंद्रह में राज्य सूचना आयोग के गठन का उल्लेख पंद्रह एक पंद्रह दो पंद्रह तीन और पंद्रह चार पंद्रह चार में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार अपने यहां राज्य सूचना आयोग के प्रबंधन के लिए विनियम बना सकती है राजस्थान ने बनाए 2007 में देखो 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा पंद्रह चार के तहत बनाई गई बिल्कुल सही है राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन ढाई रुपए धारा बीस एक के तहत कौन सी धारा बीस एक दो सौ तो पचास रुपये तो सही है लेकिन पचास हजार रुपया गलत है क्योंकि तो पचास हजार नहीं है पच्चीस हजार पहला सही है दूसरा गलत हो गया चेक कर लो ये लो राज्य सूचना आयोग अध्याय चार में राज्य सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग का गठन एक में ये रहा एक राज्य सूचना आयोग का संगठन स्ट्रक्चर एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयोग जितने आवश्यक समझे जाए से अधिक नहीं हो सकते अधिक नहीं हो सकते मुख्य सूचना -सूचन सूचन आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा वो एक समिति की सिफारिश पर होती है उस समिति का उल्लेख पंद्रह तीन में पंद्रह तीन में और दोस्तों पंद्रह तीन में और तीन आदमी समिति में पंद्रह समिति एक समिति बनाई जाएगी उस समिति में कितने आदमी तीन आदमी और पंद्रह तीन में उल्लेख कितनी प्यारी बात है बजा आ गया याद हो गया पंद्रह तीन में समिति का उल्लेख मुख्यमंत्री जो इस समिति का अध्यक्ष होगा विधानसभा में विपक्ष का नेता विपक्ष का नेता वर्तमान में कोई है नहीं ना अभी अभी बन जाएगा देखते हैं कौन बनेगा मुझे तो लगता है डोटासराई बनेगा हाँ, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य यानी कैबिनेट का मेंबर भी जो मुख्यमंत्री नामित करेगा तीन बंदे पंद्रह तीन में इस समिति का उल्लेख है इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल सूचना आयुक्त मुख्य सूचना और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है प्यारी बात है आगे चलता हूं पंद्रह चार में जिस बात का मैं उल्लेख करने जा रहा हूं वो क्यूसन देखो राजस्थान सरकार ने इसी को फायदा उठाते हुए 2007 में राजस्थान राज्य सूचना के प्रबंधन के नियम बनाए इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रकार से यह बात पूरी हो गई एक और तगड़ी बात राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है वर्तमान में डीबी गुप्ता नियुक्ति राज्यपाल ने करी थी और वर्तमान में राजस्थान के अंदर चार सूचना आयुक्त है उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ने करी है और यह सबको शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल सबको शपथ भी राज्यपाल दिलाता है एक तकड़ी बात बताने जा रहा हूं बहुत काम किया है जो 2019 में संशोधन हुआ आइए चर्चा करते हैं क्या पदावधि और सेवा शर्तें सोलह पंद्रह में गठन सोलह में पदावधि पहले के जमाने में दो हजार सोलह उन्नीस से पहले पांच साल और पैंसठ साल हुआ करती थी पांच साल और पैंसठ साल कार्यकाल हुआ करता था पदावधि लेकिन दो हजार उन्नीस में संशोधन हो गया देखो क्या हुआ पदावधि और सेवा शर्तें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ब्रैकेट में डाल दिया देखो ब्रैकेट में ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए यानी इसका निर्धारण केंद्र सरकार करेगा दो से 2019 से आगे लिखा हुआ एक 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 का मतलब नीचे चलते हैं, देखते हैं कहां है अरे ये रहा अल डिलीट हो गया ये रहा डिलीट क्यों हो गया एक 2019 के अधिनियम संख्या 24 की धारा तीन द्वारा प्रतिस्थापित कौन सी बात पहले लिखा होता था कि पांच ओब्लिक पैंसठ जो भी पहले हो अब दो में संशोधन कर दिया कि इनका कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी चलो चेक कर लेते हैं कौन निर्धारित करेगी केंद्र सरकार ये केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएगी ठीक है हां लेकिन अधिकतम पैंसठ साल पैंसठ साल से ज्यादा नहीं हो सकती देखो परंतु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा यानी पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा देखो 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 केंद्र सरकार द्वारा भी की जाएगी पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा लेकिन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तीन ब्लिक सत्तर साल है दो हजार उन्नीस में संशोधन वो पुनर्नियुक्ति का पात्र है। लेकिन ये पुनर्नियुक्ति कौन मुख्य मुख्य आयुक्त देखो मुख्य सूचना प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा की की जाए वर्ष आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा हाँ, मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है राज्य सूचना आयुक्त अधिकतम पैंसठ साल या कितने साल हो सकती है दो तीन चार वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगा वो पूरा होने पर वो अपने सूचना के पद पर का पात्र नहीं है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के बाद वो मुख्य सूचना, सूचना पंद्रह की उपधारा तीन में वीर निर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा कितनी तकड़ी बात तो आज तक पता नहीं था पद रिक्त करना पड़ेगा देखो 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 पर प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर पहले पद रिक्त करना पड़ेगा खाली कर दिया अब तुम मुख्य सूचना आयुक्त बन धारा 15 की उपधारा 3 में भी निर्दिष्ट रीति से क्या बनेगा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है ये लो भाई हाँ ये होगा सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति पात्र होगा चलो भाई तो इस प्रकार से Beast हाँ एक चीज और परंतु यह है और है कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है राज्य का सूचना आयुक्त है उसकी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी क्या गजब की बात लिखी है यार सच में इसने तो आनंदमयी कर दिया मान लो पहले से कोई सूचनायुक्त है और उसको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा रहा है तो अपनी पुराने वाला पद त्यागेगा अब उसे मुख्य सूचना आयुक्त का पद दिया जा सकता है लेकिन इसके टोटल सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त का टोटल कार्यकाल पांच साल से ज्यादा नहीं हो सकता यह बात है चलो भाई एक और तकड़ी बात आपके सामने हां यदि कोई आपसे पूछे कि राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाया किस धारा के तहत जाता है सत्रह के तहत सत्रह में राज्यपाल क्या करेगा देखो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो और या कोई राज्य सूचना आयुक्त तो किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर को क्या कर सकते हैं पर त्याग दे सकता है राज्य सूचना धारा तो के तहत हटाया जा सकता है ठीक है चलो भाई अब एक चीज अंत में और बच गई है पद से हटाया जाना यह भी मैं बताना चाहता हूं काम की चीज है पद से हटाया जाने का उल्लेख है धारा सत्रह में दोस्तों धारा सत्रह के अंदर है राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो यथा स्थिति राज्य सूचना सूचनायुक्त या उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए इसने निर्देश दिया राज्यपाल ने इसको दिया सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ने कोर्ट ने क्या करी जांच जांच करने के बाद उसने बोला कि नहीं वास्तव में साबित कदाचार साबित हो गया है और असमर्थता है पद से हटा दिया जाए तो राज्यपाल उसी दौरान कहेगा जा भेस पानी में और एक तकड़ी चीज है राज्यपाल उसे निलंबित भी कर सकता है यह बात आपके सामने है यह है राज्यपाल उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना तो द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिया गया हां जब सुप्रीम कोर्ट को निर्देश किया होता है तो ऐसे समय में राज्यपाल तब तक उसे निलंबित भी कर सकता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ना आ जाए यही बात होनी चाहिए चेक कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित जब तक राज्यपाल पद आदेश नहीं दे दे देने का तब तक निलंबित रखा जाता इस प्रकार से एक जबरदस्त टॉपिक भी पूरा अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है सूचना आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार के अनुभव का सकारात्मक पक्ष यानी इनमें से कौन सा एक सकारात्मक पक्ष है सकारात्मक सूचना का अधिकार अधिनियम आया लागू हुआ जनता ने बड़ा फायदा उठाया अंत में बताना है इसका सकारात्मक पॉजिटिव क्या रेस्पॉन्स आया चेक करते हैं सूचना के अधिकार से बड़ी संख्या में अवशिष्ट मामलों का होना लोगों की सूचना के अधिकार को रुचि को प्रकट करता है सेवानिवृत्त लोक सेवकों की उपलब्धता सूचना योगों के लिए उपयोगी है सार्वजनिक चीज भागीदारी परियोजनाएं सूचना के अधिकार के अंतर्गत आती है सूचना के अधिकार की प्रार्थनाओं को नौकरशाही पहले की तुलना में गंभीरता से लेती है उत्तर नंबर चार बिल्कुल सही नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स गंभीरता से ले रहे हैं है ना लोग सूचना देखो सूचना के अधिकार की प्रार्थना को। पहले कोई आरटीआई आया ना उससे पहले यदि आप सूचना सूचना मांगते थे ना तो लोग सूचना, अधिकारी बोलता था जा जा कोई सूचना नहीं है लेकिन जब से आया है ना तब से देनी पड़ती नहीं दो तो भाई साहब के खाते से पैसा कटेगा और उसकी जो लिस्ट है पदोन्नति वाली उसमें कहीं ना कहीं टिमकी लग जाएगी आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और।, और इस प्रकार से सूचना वाला टॉपिक पूरा हो गया और एक जबरदस्त टॉपिक की शुरुआत हो गई है राजस्थान के अंदर जन जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए एस एसओ की जरूरत है इसका मतलब मैं जन सूचना पोर्टल पर आ चुका हूं जन सूचना पोर्टल दोस्तों जन सूचना पोर्टल पर जाने के लिए आपको एस एस की जरूरत पड़ेगी क्या नहीं केवल आर की साइट पर जाओ या सरकार के कोई लाभ लो या कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर जाओ उस समय एस एस की जरूरत है यहां पर नहीं है यहां पे नहीं है खुल्लम खुल्ला है ओपन माइंडेड यानी एकदम खुल्ला है जन पोर्टल जाओ क्लिक करो सूचना ले लो वहां पर अपलोड है बहुत सारे विभागों की सूचना अपलोड है खुद ही देख सकते हो स्वतः प्रकटीकरण बोल सकते हो आप खुद ही प्रकट हो रही है सरकार ने अपलोड कर दी ले ले तेरे को जितनी सूचना चाहिए वो ले, ले देखो जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए एस एस जरूरी है नहीं है जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है दोस्तों एक बात बता देता हूं आप ई मित्र जाइए जन सूचना पोर्टल से कोई सूचना लेनी है आपको कोई पैसा नहीं देना इसका मतलब क्या है कोई शुल्क नहीं है दोनों बातें सही है कोई पैसा नहीं देना दोनों बातें सही है तो अब हम जन सूचना पोर्टल की चर्चा कर लेते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का धमाका है कहीं और किसी का नहीं आओ चेक करते हैं जन सूचना पोर्टल एकदम अपडेट कर रहा हूं एकदम अपडेट करूंगा राजस्थान आर्थिक समीक्षा दो हजार बाईस के अनुसार जनसूचना पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही है उद्देश्य क्या बात है सीधा क्वेश्चन आएगा जनसंपर्क पोर्टल का उद्देश्य बताओ उद्देश्य सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर एक ही प्लेटफॉर्म पर सुलभ आसानी से पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीय एकदम सही तरीके से कोई गलत अपलोड हो ही नहीं सकती गलत करे तो उस पर तुरंत सरकार जुर्माना विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है दोस्तों, की धारा चार दो आपको याद होगा धारा चार में क्या है लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं है।, है ना बाध्यताएं है ना उसमें से एक बाध्यता और जोड़ रहा हूं धारा चार टू में अभी दिखा के लाऊंगा आपको आनंद आएगा

115, कितनी योजना 331, और कितनी सॉरी योजना कितनी 331 सूचना नौ सौ नब्बे एक अच्छी बात यह है कि 115, 331, 690 विभाग 115, 331 योजनाएं उन योजनाओं की सूचनाएं छह सौ नब्बे उपलब्ध है आ सकता है क्वेश्चन क्या आएगा बताऊं कि राजस्थान जम आपका सूचना पोर्टल जो है इस सूचना जन सूचना पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में कुल कितनी कितने विभागों की सूचनाएं मिल रही है नंबर एक 115, नंबर दो 331, नंबर तीन सौ क्या करोगे 115 कितनी योजनाओं की जानकारी 115, 331, पंद्रह 331 सौ योजना कितनी सूचनाएं छह 331, 115, तीन ऐसे करना है गलती नहीं करनी है पहला चरण बीस अगस्त दो को बीस अगस्त राजीव गांधी के जन्मदिवस पर दूसरा तेरह सितंबर दो हजार उन्नीस को और जनसूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए एस एसओ आई डी की आवश्यकता नहीं है जनसूचना पोर्टल के माध्यम से ई e मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं कौन सी आर टी आई अधिनियम की धारा चार टू में क्या है चलो चेक करते हैं ये लो ये लो दोस्तों ये है चार टू धारा चार दो और चार में बात देता है। लोक प्राधिकारी की बाध्यता देखो प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा एक के खंड की अपेक्षाओं के अनुसार स्व प्रेरणा से स्व प्रेरणा से खुद की प्रेरणा से स्वतः प्रेरणा से, से जनता को नियमित अंतरालों पर सूचना के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से सूचना देने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं उन माध्यमों के माध्यम से जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी है और इंटरनेट का मतलब जन सूचना पोर्टल आ गया ना ये रहा इंटरनेट भी है है ना इंटरनेट भी इंटरनेट भी है इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े क्यों मजा आ गया ना ये देख लो इंटरनेट एक और तकड़ी बात देखो भाई मैंने यहां मैं मैं से एक गलत ना हो बस मेरा ये है। देखो इकोनॉमिक वो कुछ जानकारी है वो भी मैंने आपके लिए ली है चेक कर सकते हो सूचना पोर्टल सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह मैंने यहीं से लिया था उद्देश्य सुलभ पारदर्शी विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य सूचना पोर्टल विकसित किया गया यह देश में इस तरह की पहली पहल है और आर टी अधिनियम की दो की धारा चार की आवश्यकताओं को पूरा करती जनता को सूचना के स्वतः प्रकटीकरण प्रकृतिकरण देती है पोर्टल पर वर्तमान में कितने विभाग 115 योजना 331 और सूचनाएं 990 सौ रियल टाइम डाटा प्रदर्शित किए जाते इस प्रकार से जन सूचना पोर्टल पूरा एक और गजब का टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं देखो भाई क्या है ये लो। क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है राजस्थान संपर्क एक पोर्टल है और इसके आयाम क्या है दोस्तों तो, राजस्थान ये देखो संपर्क पोर्टल के लिस्टेड एंड एस्पेक्ट कौन कौन से आयाम है उनमें कौन सा शामिल नहीं है पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी शिकायत निवारण ग्रीवांशन विश्वास ट्रस्ट और ठोस सेवा प्रदान प्रणाली रोबर्स डिलीवरी सिस्टम उत्तर नंबर तीन विश्वास नहीं है बाकी सारे आयाम है मैं पहले आपको आयाम दिखाता हूं गुरु ज्ञान पब्लिकेशन ने किस प्रकार लोगों के लिए आयाम तैयार किया है राजस्थान संपर्क पोर्टल दोस्तों राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आप शिकायत करिए आपकी शिकायत का निवारण होगा बस इतना याद रखो लेकिन कुछ फैक्ट है वो भी आपको याद करने आओ दिखाता हूं चलो भाई ये लो भाई राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य देखो केंद्रीय शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जनता के द्वारा की गई शिकायतों का त्वरित निवारण होता है शिकायतों का निर्धारित समय में मतलब रियल टाइम जो मैं कह सकता हूं बाउंडेड टाइम मान लीजिए आप एकदम निश्चित समय में आपको पारदर्शी समाधान करने हेतु शुरू किया गया है ठीक है यह एक पोर्टल है इस पोर्टल के तहत सुशासन के आयाम एस्पेक्ट देखो सशक्त वितरण प्रणाली सशक्त वितरण प्रणाली का दूसरा नाम है ठोस सेवा प्रदान पर, प, प्रदान प्रणाली रॉबर्ट्स डिलीवरी सिस्टम पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी संचार कम्युनिकेशन जो तो आपके ऑप्शन में नहीं था विश्वास दिया था उसने विश्वास की जगह संचार आ जाए तो संचार भी सही है शिकायत निवारण रिवांश रेड्रेशन नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता यह भी ऑप्शन में नहीं था अर्थात सेंसिटिविटी टुअर्ड्स सिटीजन इसका मतलब नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता एक शिकायत निवारण दो संचार तीन पारदर्शिता सशक्त वितरण प्रणाली पूरा हो गया आओ चलते कुछ और चीज दिखाता हूं राजस्थान संपर्क पोर्टल ये मैंने राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे दो हजार से भी आपके लिए लिया कहीं कोई छूट ना जाए आओ चलते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल संपर्क पोर्टल का उपयोग केंद्रीकृत निवारण मंच के रूप में केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में एड ऑन मॉड्यूल्स भी याद कर लेना भैया भी आ सकते हैं, एड ऑन मॉड्यूल्स यथा मोबाइल एप्लीकेशन एक रियलिटी चेक मॉड्यूल दो जी आई एस जिस सिस्टम एकीकरण तीन एप्लीकेशन चार एडवांस डेटा एनालिटिक्स को उपयोगकर्ता के अनुभव में वृद्धि के लिए विकसित और लागू किया गया है राजस्थान संपर्क पोर्टल के 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 माध्यम से उपयोगकर्ता अनुभव में वृद्धि लिए किसे लागू किया गया है कौन कौन सी चीजों को लागू किया गया है नंबर एक मोबाइल एप्लीकेशन रियल टाइम चेक मॉड्यूल जी एनालिटिक्स आ सकता है कार्य क्षमता के साथ वास्तविकता जांच मॉड्यूल को राजस्थान संपर्क पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री तू आ सकता है राजस्थान संपर्क पोर्टल के तहत शिकायत निवारण हेतु तो एक टोल फ्री नंबर है उसका नंबर क्या है वन एटी वन एक पॉइंट बारह करोड़ से अधिक शिकायतें समस्याएं वार रूम में प्राप्त हुई तथा लगभग एक पॉइंट एक करोड़ शिकायतें समस्याओं का समाधान यानी एक पॉइंट बारह करोड़ एक करोड़ बारह लाख शिकायतें आई जिसमें से एक करोड़ एक लाख शिकायतों का निवारण अच्छा बात है आगे चलते हैं एक और तकड़ी बात दोस्तों मैं यहां से आपको चौबीस पेपर सेटर ने क्वेश्चन बनाया जहां से बनाया मैं वो चीज दिखाने जा रहा हूं ताकि आपको लगना चाहिए वाह गुरु मजा आ गया ये आपके बुक से निकलना चाहिए दिखाता हूं आपको ये क्वेश्चन आया था ये लो देखो भैया ये राजस्थान संपर्क पोर्टल ओरिजिनल और, और पिछले साल जो मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया था ना आपको हो तो सेवा प्रदान प्रणाली वो वाला आयाम वाला वो क्वेश्चन यहां से आया था सीधा यह राजस्थान संपर्क पोर्टल की वेबसाइट सीधा आ गया यह देखो प्रो राजस्थान संपर्क गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इंटेंड टू अचीव ऑल इंपोर्टेंट एस्पेक्ट गुड गवर्नेंस विच रॉबर्ट डिलीवरी सिस्टम वन ट्रांसपेरेंसी टू कम्युनिकेशन संचार तीन रिड्रेशन और सेंसिटिविटी टू तो आर्स यहां से सुना ऐसा लग रहा है यहां से कुछ भी आ सकता है इन चीजों में से भी आ सकता है तो मैंने आपके लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ये रख दिया आपके सामने कुछ भी आ जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए राजस्थान सरकार राज्य में नागरिक केंद्रित शासन के तरीके में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है इसके लिए राजस्थान सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करके शिकायतों को कम करके नागरिक सेवा में वितरण में उत्कृष्टता लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है नागरिकों को उचित सेवा सुनिश्चित करने की पहल के रूप में आईटी और संचार विभाग के माध्यम से कौन से विभाग के माध्यम से आईटी और संचार विभाग के माध्यम से राजस्थान संपर्क नामक एक परियोजना लागू की गई है यह परियोजना आम आदमी के लिए अपने प्रश्नों और चिंताओं को राज्य सरकार के विभागों तक प्रशासन पहुंचाने में प्र, मार्ग प्रशस्त करती है सूचना संचार और प्रौद्योगिकी हस्त की मदद से। राजस्थान संपर्क का उद्देश्य है। देखो उद्देश्य हो सकता है उद्देश्य आ जाए क्वेश्चन देखो मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन आएगा पता नहीं मेरा दिमाग यूं कह रहा है कि यह क्वेश्चन आएगा बाद में यह मत कहना भाई यह कैसे आ गया लो मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया देखो भाई नागरिकों को एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना है जहां कोई भी नागरिक संबंधित विभागों में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है मुख्य रूप से एकीकृत वेब के साथ राज्य स्तरीय कॉल सेंटर शामिल है सरकारी सेवाओं से संबंधित विभिन्न नागरिक केंद्रित प्रश्नों शिकायतों के समाधान और समस्या के लिए संपर्क एकल बिंदु के रूप में कार्य करें करेगा नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी सरकारी विभाग कार्यालय के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं किसी भी विभाग के खिलाफ शिकायत को निवारण के लिए संबंधित कार्यक्रम विभाग की ओर भेजा जाता है यह हो गया पूरा ठीक है राजस्थान सरकार सुशासन को कि सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को हासिल करना चाहती है इस पोर्टल के माध्यम से सरकार क्या चाहती है सरकार सुशासन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को हासिल करना चाहती है जिसमें यह सारी चीजें हैं सुशासन के अंतर्गत आएगी ना ये सारी मजबूत वितरण प्रणाली पारदर्शिता संचार शिकायत निवारण नागरिकों प्रति संवेदनशीलता ये तमाम बातें पूरी हो गई ये हो गया ये हो गया एक चीज और बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा एक पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से हाँ यहां पर यदि आप शिकायत दर्ज कराने चाहते हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना रट लेना जैसे जैसे संपर्क पोर्टल में भी आपको ई मित्र से कोई पैसा नहीं देना एस एस की जरूरत नहीं है तो इसमें भी एस एस की जरूरत है क्या कोई बताएगा मुझे एक बार चेक कर लेता हूं कहीं गलत ना हो जाए प्लीज एक बार देखना हाँ देखो इसमें एक चीज और है इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना कोई पैसा नहीं देना पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्र पर निःशुल्क रूप से शिकायतें दर्ज होती है सिटीजन कॉल सेंटर एक सौ एक पर फोन के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने और सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा पैसा नहीं देना ठीक है स्मार्टफोन धारकों के लिए नेटिव एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा भी है हाँ जी बताओ भाई एस एस ओ आई डी जरूरी है क्या नहीं है ना डब्ल्यू डब्ल्यू संपर्क पोर्टल पर दर्ज करा सकते हो सीधी एस एसडी की जरूरत नहीं है ध्यान रखना ठीक है इसमें भी की जरूरत नहीं है इसमें भी कोई पैसा नहीं देना चलो भाई यह कुछ क्वेश्चन है राजस्थान संपर्क जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का बिनो प्रयास है इस प्राप्त क्या पाएंगे बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा एक पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है पंचायत समिति और जिला स्तर पर संपर्क केंद्र बने हुए हैं जहां पर शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है सिटीजन कॉल सेंटर पर फोन के माध्यम से शिकायत इसका मतलब की नहीं। की जरूरत जरूरत नहीं है निःशुल्क दर्ज करा सकते हैं सिटीजन कॉल सेंटर पर हो गया स्मार्टफोन धारकों के लिए नेटिव एप्लीकेशन डाउनलोड की सुविधा पहला क्वेश्चन पूरा दूसरा क्या शिकायतों को दर्ज करने के लिए राजस्थान संपर्क केंद्र पर आना आवश्यक है नहीं नहीं परिवादी स्वयं के स्तर पर समस्या के लिए इस पोर्टल पर जाएगा और शिकायत दर्ज करा देगा उनके पास एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन है और गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके मोबाइल से परिवार दर्ज कराने की सुविधा भी प्राप्त कर सकता है राजस्थान संपर्क पर एक बार प्रकरण दर्ज होने पर उसकी प्रगति की सूचना कैसे ली जाएगी मान लो आपने कोई सूचना दर्ज कराई शिकायत तो बताइए इस पर आपको प्रगति के बारे में सूचना कैसे मिलेगी राजस्थान संपर्क पर प्रकरण दर्ज होने निस्तारित होने पर उसके मोबाइल नंबर पर एक ऐसे में भेजे जाने की व्यवस्था है

परिवादी एक है परिवाद अलग अलग शिकायतें मतलब विभाग अलग अलग विभागों से संबंधित है तो क्या एक ही परिवाद देना चाहिए या अलग अलग देना चाहिए प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए उचित होगा कि यदि परिवाद अलग अलग विभाग या विषय से संबंधित है तो परिवाद भी अलग अलग दिए जाने चाहिए वैसे इसकी सुविधा तू एक बार परिवादी का नाम दर्ज हो जाने पर अगली बार अगले परिवाद के लिए केवल परिवाद विषय और विभाग ही भरने होते हैं बाकी कुछ नहीं करना अगला क्वेश्चन राजस्थान संपर्क पर एक बार प्रकरण दर्ज करने के बाद अन्य प्रकरणों में पुनः पूरा विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि तो एक बार में आपका नाम रजिस्ट्रेशन हो जाता है ठीक है मोबाइल नंबर वगैरह परिवार दर्ज करते समय अन्य किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए यह बात इंपॉर्टेंट है परिवार दर्ज करते समय आवेदन में समस्त सूचना अंकित करें विभाग का सही चयन करें परिवार संबंधी विषय के ध्यान दें यह भी सुनिश्चित करें कि परिवार दर्ज करने के बाद मूल आवेदन की प्रति को स्कैन करें और अपलोड कर दें बाकी कोई खास बात नहीं है परिवार दर्ज करते समय विभाग नहीं पता हो तो क्या करें कोई बात इसमें भी नहीं है दोस्तों क्लास पूरी मैंने आपको तीन टॉपिक मेरे पास जो कुछ भी था वो सब आपके सामने आ गया समय भी लेट हो रहा है मतलब लगभग बारह बज रहे हैं क्लास को वाणी को विराम देना चाहता हूं और मैं कल फिर से आऊंगा दोपहर तो में एक और आ, दो तीन टॉपिक बड़े गजब के हैं एक नागरिक अधिकार पत्र इस पर चर्चा करूंगा बहुत गजब के क्वेश्चन मैंने तैयार किए एक लॉक्स आपका गारंटी वाला जो क्वेश्चन है दो वाला उस पर भी और एक सामाजिक अंकक्षण ये तीन टॉपिक लेकर कल दोपहर में आ जाऊंगा फिर कल शाम को हम एक और जबरदस्त टॉपिक करेंगे फिर कुछ और जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट मिले क्लास कैसी लगी प्लीज जरूर बताओ प्लीज जरूर लिखें यदि अच्छी नहीं लगी तो गाड़ी ठोक देना है ना मैं एक मिनट आपका मैसेज देखूंगा और उसके बाद वाणी को विराम दे दूंगा सिर्फ एक मिनट मैं आपके तमाम विद्यार्थी जो देख रहे हैं एक मिनट आपसे बात करूंगा सिर्फ एक मिनट देखते हैं आप में से कौन कौन विद्यार्थी मेरे साथ बना हुआ है क्लास कैसी लगी प्लीज जरूर लिखें थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जी सुमित्रा जी अनुराधा जी बहुत बहुत आभार थैंक यू तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिक्रिया जेपी मेनारिया शुक्रिया मेरा फर्ज बन रहा था कि आपको वो सारा कंटेंट दे दूं जिसकी आपको जरूरत है तो आपके काम का है आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और शायद राजस्थान में खोज लेना तुलना कर लेना लेकिन तुलना करने का वक्त नहीं है इतना शानदार कंटेंट किसी ने भी पढ़ाया हो आप मेरे को बता देना यह है स्टूडेंट के प्रति गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की प्यार की कहानी छोटे भाई बहनों के प्रति सम्मान प्यार किस प्रकार बना रहे बस आपने कमेंट्स में लिख दिया मेरा फर्ज बनता है सही शानदार सटीक ऑरियंटेड एग्जाम ऑरियंटेड चीजें और ऑथेंटिक आपके पास कैसे बस ये मेरा काम है हो सकता है क्लास में मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया होगा लेकिन मुझे भरोसा है कि आपकी परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आएंगे और जब आपके दिल में गुरु ज्ञान के प्रति सम्मान है वो दुगुना हो जाएगा ये मैं वादा करता हूं हाँ कुछ लोगों को चिड़ हो रही है लोगों को होगी भी मैंने समय ज़्यादा ले लिया है आई भी निकाल सकते हैं लोग बहुत सारे लोग कितना अच्छा क्यों पढ़ा रहा ये है? कि मार्केट में ऐसा है नहीं वो भी गालियां निकालेंगे लेकिन गालियां उनकी खा लूंगा आपके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं चलो भाई अभी के लिए बस इतना ही थैंक यू शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद शुभरात्रि कल मुलाकात करेंगे जय हिंद जय भारत धन्यवाद नमस्कार